हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, तो कल हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ऐसे ही है? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, चल, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हमने स्टार्ट किया था, राइट? सो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को आज हम फिनिश करते हैं, और उसके बाद प्लीज साइड से आप लोग इस यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर E या 5 डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो फिर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि फिर मैं वो अपलोड करूँ यहाँ पे। सो प्लीज गो अहेड। नेक्स्ट PPT प्लीज डाउनलोड करके जरा ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ जी, लास्ट लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट थे भाई? स्टूडेंट्स तो कम होते जा रहे हैं, इवन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी। क्या किया जाए स्टूडेंट्स के लिए? जी
जी लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे भाई? ओनली 17 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। चलें भाई, अगर इतने स्टूडेंट्स आते हैं तो हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। हमने कल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के बारे में पढ़ा था, राइट? और हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। एक हमने पढ़ा था कि स्मॉल सेल होते हैं, फिर नॉन स्मॉल सेल होते हैं। नॉन स्मॉल सेल में आगे फर्दर टाइप्स थी। उससे पहले हमने इसके लिए रिस्क फैक्टर पढ़े थे। अब हम थोड़ा सा इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ चलते हैं। सो ऑफ अ लंग कैंसर डेवेलप्स इंसीडियसली एंड इज एसिम्टोमेटिक अंटिल लेट स्टेज। तो हमें पहले भी पता है कि लंग कैंसर जो है ना, मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है, और जब अच्छा खासा लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, फिर कहीं जाके इसके सिम्टम्स आती हैं और वो मेटास्टेसिस हो चुकी होती है, इसको फिर ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये दी मोस्ट मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो क्रॉनिक कफ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, डिजनिया होता है साथ में उसे, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, हीमोप्टाइसिस है, चेस्ट और शोल्डर पेन होती है, रिकरेंट फीवर होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, डिस्फेजिया, खाने में डिफिकल्टी, हेड एंड नेक एडिमा हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ वीकनेस, एनोरेक्सिया, और ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये आ जाती हैं। डायग्नोज करने के लिए जनाब हम एक्सरे कराते हैं, और हमें वहाँ पे जो एक्सरे के अंदर एक मैस नज़र आ जाता है, जो जहाँ पे एयर जो नहीं हो रही होती। सीटी स्कैन और एमआरआई और पेट स्कैन जो है ये भी हमें ट्यूमर के साइज और उसकी डायमेंशंस के बारे में बता देते हैं। फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी की जाती है, मतलब एक कैमरा जो है वो लंग्स के अंदर डाला जाता है, मतलब एक वायर सी होती है, उसके एंड पे कैमरा लगा होता है और उसे डाला जाता है और लंग्स को अंदर से सारा विजुअलाइज किया जाता है, और एक मोर क्लियर पिक्चर जो है ट्यूमर की कहाँ पर है, किस साइज का है, आया कि सर्जरी की जा सकती है नहीं की जा सकती, तो ये पता लग जाता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएससी या सिंपल एफएनएससी भी की जा सकती है, और एक छोटा सा पोर्शन उस ट्यूमर का लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है कि किस स्टेज और ग्रेड का ट्यूमर है। आई होप आप लोगों को याद होगा स्टेज और ग्रेड का क्या मतलब है। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ। तो मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट वही वाली है जो कि कैंसर की होती है। कीमोथेरेपी करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, रेडिएशन थेरेपी करेंगे, सिम्टम्स को मैनेज करेंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पेशेंट को सक्शनिंग वगैरह कर सकते हैं, कफिंग करवा सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, फटीग को रिड्यूस करना है, पेशेंट को रेस्ट करवाना है, पेन को ट्रीट करना है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो अपने पेशेंट को हमने दे देनी है, क्योंकि डेफिनेटली कैंसर है। सो इसलिए राइट, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अवर लास्ट चैप्टर, एंड अवर लास्ट चैप्टर इज अबाउट रिस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब जो आपके सिलेबस में है वो हम अब बिल्कुल एंड में जो है ना वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने प्लीज ये वाला चैप्टर भी बुक से देख लेना है, और ये अभी जो है सुमैया ने सेंड किया जी हमें।
स्लाइड्स ग्रुप में, सो लेट मी फाइंड दैट आउट। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा भाई चलें जी, मैं ज़रा आप लोगों की पीपीटी ज़रा देख लूँ कहाँ है तो ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूँ। हाँ जी, तो ये पीपीटी मेरे पास है, इसको अभी मैं सेव एस करके अपलोड करता हूँ। अच्छा जी, ये वाला भी आई थिंक थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। हाँ, ये लंग थे, मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, ऐसा ही है जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी चलें, लेट मी अपलोड द पीपीटी साइट्स। पैथोफिजियोलॉजी, अच्छा ये है जी। लेट मी डाउनलोड द पीपीटी, देन आई विल अपलोड। चले एनी हाउ, इट्स अपलोडिंग। और सुनाए, कॉलेज खुल रहा है नेक्स्ट वीक से, क्या सीन है? थोड़े अपडेट दें, क्या सीन है इसका? नेक्स्ट वीक क्या ख्याल है, कॉलेज ओपन होगा या नहीं होगा, क्या होगा? नेक्स्ट वीक में कॉलेज खुलेगा या हम ऐसे ही यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे? जी जनाब बताएं क्लास। चलें, पीपीटी अपलोड हो रही है, उतनी देर पीपीटी अपलोड हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इस वाली पीपीटी में देखूं तो मैंने आपको चेस्ट ट्रॉमा के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको ये बताया था कि चेस्ट ट्रॉमा की दो टाइप्स होती हैं। अभी कुछ नहीं पता, एनी हाउ, तो चेस्ट ट्रॉमा की दो टाइप्स होती हैं, तो मुझे ये बताएं चेस्ट ट्रॉमा की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। जल्दी से टाइप आउट करें और उतनी देर में पीपीटी को अपलोड कर देता हूँ। चलें जी, मंडे को ओपन होगा, दैट्स वेरी नाइस जी। चेस्ट ट्रॉमा की दो टाइप्स जी, चेस्ट ट्रॉमा की दो टाइप्स। हाँ जी क्लास, चेस्ट ट्रॉमा की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? अच्छा, इस चीज़ का आंसर बड़ी जल्दी कर दिया है, जो सवाल पूछ रहा हूँ सिलेबस से रिलेटेड उसका आंसर नहीं आ रहा मुझे। हाँ हाँ जी, सही है, ब्लंट और पेनिट्रेटिंग
होता है, बड़ी देर हो गई भाई, मेहरबा आते आते। चलें जी, सुबलन और चीटिंग ट्रॉमा के बारे में हमने जनाब पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, और उसके बाद जनाब हम थोड़ा सा पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे भाई, कहाँ छोड़ा था इसको, जो ब्लंट पेरिट ये वाला जो चैप्टर है, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने आपको, ताकि मैं वहां से आगे लेके चल सकूं। जी, कहाँ पर फिनिश किया था, उससे आगे चलें। पेनिट्रेटिंग पर थे जी, अच्छा चले, पेनिट्रेटिंग पे चले जाते हैं हम। नहीं यार, पेनिट्रेटिंग तो मैंने पढ़ा दिया था भाई। हाँ ब्लंट पे थे हम, पेनिट्रेटिंग तो मैंने पढ़ा दिया था कि कोई नाइफ वगैरह से अगर कोई चीज बिल्कुल मतलब पेनिट्रेट अंदर चली जाती है, चेस्ट वॉल को क्रॉस कर जाती है, चेस्ट वॉल के अंदर चली जाती है, तो वो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है। और ब्लंट ट्रॉमा जो है, मैंने स्टीयरिंग व्हील की आपको एग्जांपल दी थी, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। सो एनी हाउ, हम ब्लंट से ही स्टार्ट करते हैं जी। सो हेयर वी हैव ब्लंट। सो प्लीज़ ज़रा इसको एक दफ़ा पढ़ें और मुझे फिर आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि बेसिकली आपको इससे क्या नज़र आ रहा। बिल्कुल जी, स्टर्नर और रिब फ्रैक्चर्स करने थे। हाँ मुझे याद आ गया, मैं ये पढ़ा चुका था आपको, पेनिट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा। थैंक यू सुमैया। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट स्टर्नल एंड रिब फ्रैक्चर्स। सो स्टर्नल और रिब फ्रैक्चर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा कॉमन है यार। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्टर्नल एंड रिब फ्रैक्चर भी पढ़ा चुका हूँ। चले यानी हो, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, सो स्टर्नल फ्रैक्चर्स आर मोस्ट कॉमन इन मोटर व्हीकल क्रैशेस विद अ डायरेक्ट ब्लो टू द स्टर्नम वी आर स्टीयरिंग व्हील। सो मोस्टली गाड़ी के अंदर अगर कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, तो उसमें स्टर्नल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के अंदर अब एयर बैग आता है, ताकि अगर वो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, तो वो एयर बैग जो है वो फोर्स को बर्दाश्त करे और फ्रैक्चर जो है ना वो ना हो। उसके बाद ये रिप फ्रैक्चर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चेस्ट ट्रॉमा। रिप फ्रैक्चर भी होते रहते हैं, अकरिंग इन मोर देन 60% ऑफ पेशेंट एडमिटेड विद ब्लंट चेस्ट इंजरी। फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट थ्री रिब्स आर रेयर बट कैन बी रिजल्ट इन अ हाई मोर्टेलिटी रेट। तो ऊपर वाली जो तीन रिब्स है ना, उसका फ्रैक्चर बहुत रेयरली होता है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे नीचे वाले हिस्से होते हैं वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाली रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए, तो वो लीथल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ट के पास पड़ी होती हैं, तो वो बिल्कुल नाइफ बन जाती हैं। जब रिब्स टूटती हैं, उनके तीखे तीखे से या सीधे सीधे से एंड्स होते हैं, जो हार्ट में लग के हार्ट को इंजर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद लेसरेशन ऑफ सब क्लेविन आर्टरी और वेन। हार्ट के अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी आर्टरीज और वेन्स गुजर रही होती हैं हार्ट के ऊपर से, उनको भी ये कट कर सकते हैं, और उसमें से बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, डेथ होने के चांसेस होते हैं। द फिफ्थ थ्रू नाइन्थ रिब्स आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। पांच से नीचे की जो रिब हैं वो मोस्टली जो है ना फ्रैक्चर हो जाती हैं। फ्रैक्चर ऑफ दीज द लोअर रिब्स आर एसोसिएटेड विद इंजरी टू द स्प्लीन एंड लिवर, एंड दैट मे बी लेसरेटेड बाय फ्रेगमेंटेड सेक्शन ऑफ द रिब्स। सो अगर रिब्स टूट जाएं, तो वो उनके नोक नोकदार जो एंड जो है वो स्प्लीन और लिवर वगैरह को भी वो कर सकते हैं, इंजर कर सकते हैं। सो स्टर्नल एंड रिब फ्रैक्चर को अगर हम देखें, तो पेशेंट विद स्टर्नल फ्रैक्चर हैव इंटीरियर चेस्ट पेन, ओवरलाइंग टेंडरनेस। सो पेशेंट विद स्टर्नल फ्रैक्चर के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, सामने वाली साइड पे चेस्ट पेन होती है,
और ओवरलाइंग टेंडरनेस मतलब हाथ लगाएं तो वहां पे दर्द होती है, टेंडरनेस का ये मतलब है इकेमोसिस, वहां पे रेडनेस हो जाती है या फिर एक नील सा बन जाता है वहां पे, क्रेपिटस फील हो सकता है अगर एयर वगैरह लीक आउट कर गई है तो हाथ लगाएं तो वहां पे क्रेपिटेशन फील हो सकती है, स्वेलिंग होती है एंड पॉसिबल चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी, और चेस्ट वॉल के अंदर डिफॉर्मिटी डेफिनेटली आ सकती है अगर स्टर्नल जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है अच्छा जी, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आता है? रिब फ्रैक्चर आ जाता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर सिमिलर, रिब फ्रैक्चर के अंदर भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिमिलर होती हैं लेकिन सीवियर पेन होती है, पॉइंट टेंडरनेस, पेशेंट हाथ लगा के बता सकते हैं कि फलानी जगह पे दर्द हो रही है, मसल स्पाज्म ओवर द एरिया ऑफ द फ्रैक्चर डेटा आर एग्रीवेटेड बाय कफिंग, डीप ब्रीदिंग एंड मूवमेंट, तो बड़ा सोच के सांस लेता है या खांसी करता है क्योंकि जब भी वो इस तरह की चीज करता है तो उसको क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा पेन फील होती है, राइट? तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे इज डायरेक्टली टूवर्ड रिलीविंग द पेन, सबसे पहले पेन रिलीव करनी है, एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं करनी, पेशेंट को रेस्ट करवाना है कहीं वो रिप इंजर ना कर दे किसी चीज को, एंड ट्रीटिंग एनी एसोसिएटिव इंजरीज, और भी अगर कोई उसके साथ इंजरीज हुई है उनको ट्रीट करना है, सर्जिकली फिक्सेशन इज रेयरली नीड नेसेसरी, सो बहुत कम होता है कि रिब फ्रैक्चर्स की सर्जरी की जाए अनटिल और अनलेस वो बहुत ही जो है ना खतरनाक किस्म का फ्रैक्चर हो जिससे कि डिफरेंट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है ना इंजरी होने के चांसेस हो, तब हम सर्जरी कर देते हैं। मेरे पास भाई इधर अजान हो रही है, सो 5 मिनट लेते हैं अजान सुनते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। हाँ जी सी आर हबीब यार अटेंडेंस तो ले लो इनकी। अच्छा भाई अगर हबीब नहीं है तो आलिया आप ले लो प्लीज अटेंडेंस जरा।
जी आप सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा छोटा सा वो है जी सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा के बारे में। सो सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चेस्ट इंजरी हो, लंग इंजरी हो, या फिर कोई ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए जिसमें लंग्स बस्ट कर जाएं, ठीक है, या फिर हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर एयर दाखिल हो जाए, या ड्यूरिंग सर्जरी बाज़ुकात स्किन के नीचे एयर दाखिल हो जाती है, उसको सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा कहते हैं। और उससे स्किन के ऊपर बुलबुले बुलबुले से बन जाते हैं, स्किन उखड़ उखड़ सी जाती है, और उसको हाथ लगाओ तो एक क्रैकलिंग सा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा कहते हैं। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ चेस्ट ट्रोमा पेशेंट हैज, व्हेन द लंग्स और देयर पैसेजेस आर इंजर्ड, एयर में ईदर एंटर द टिश्यू प्लेन्स एंड पास फॉर सम डिस्टेंस अंडर द स्किन नेक और चेस्ट, द टिश्यू गिव अ क्रैकलिंग सेंसेशन व्हेन पल्पेटेड एंड द सबक्यूटेनियस एयर प्रोड्यूसेस एन अलार्मिंग अपीयरेंस एज द फेस नेक बॉडी एंड सेक्रोटम बिकम मिस हैपन बाय सबक्यूटेनियस एयर। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वहाँ पे जब एयर भर जाती है तो वहाँ पे वो बड़े बड़े से एयर के दाने दाने से बन जाते हैं, और वो बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल जो और ड्राउनी सी सूरत हाल नज़र आती है। सेकेंडली जब उसको हाथ लगाया जाए इन चीज़ों को तो वो क्रैकलिंग सी सेंसेशन उनमें से आती है, राइट। अब इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है जी, ट्रीटमेंट है ना वो ये दिमाग का ट्रीटमेंट ये होता है सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा का कि वो जो बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ पर जो है ना एयर बन गई है तो उनके ऊपर फिर छोटे नीडल्स स्टीराइल नीडल्स से जो है उनको वो पंक्चर किया जाता है एयर निकालने के लिए, या फिर उनके ऊपर स्टीराइल ब्लेड से कट्स लगाए जाते हैं ताकि वो एयर जो है ना वो निकल जाए और उसको फिर बाद में हील होने दिया जाता है, ठीक है। सो ये था जनाब सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो डेट इज फ्लैल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट कहते हैं, फ्लाइल चेस्ट भी कहते हैं, फ्लेल चेस्ट भी कहते हैं इसको। एंड फ्लेल चेस्ट जो है ना ये आपकी हेल्थ असेसमेंट में किसी पास पेपर के अंदर जो है ना ये आई हुई है, सो लिहाजा फ्लेल चेस्ट को जरा अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है, राइट जी। सो फ्लेल चेस्ट इज फ्रीक्वेंटली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा फ्रॉम अ स्टीयरिंग व्हील इंजरी। इट यूजली अकर वेन थ्री, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हुई है, इट यूजली अकर वेन थ्री और मोर एडजेसेंट रिब्स आर फ्रैक्चर्ड एट टू और मोर साइट्स रिजल्टिंग इन फ्री फ्लोटिंग रिब सेगमेंट। तो अगर कोई रिब एक से ज्यादा जगह से जो है वो हो गई है फ्रैक्चर हो गई है तो उसके दरमियान में जगह बन जाती है, और जब सांस लिया जाता है तो वो लंग्स जो है उस जगह में से बाहर निकलते हैं, और लंग्स को जो है वो डेफिनेटली वो इंजर होने का ना खतरा होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द चेस्ट एक्सपेंड्स एंड डिटैच्ड पार्ट ऑफ द रिब सेगमेंट फ्लाइल सेगमेंट मूव इन अ पैराडॉक्सिकल मैनर इन दैट इट इज पुल्ड इनवर्ड ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। सो सांस के साथ साथ वो जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो है ना मूवमेंट होती है लंग्स की और रिब की, और उसकी वजह से लंग्स इंजर भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा पेन भी जो है ना होती है, तो इसको फ्लेल चेस्ट कहा जाता है। नाउ कमिंग टूवर्ड द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट की जो है ना मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, एज विद रिब फ्रैक्चर ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लेल चेस्ट इज यूजली सपोर्टिव। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, मैनेजमेंट इंक्लूड प्रोवाइडिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट क्योंकि पेशेंट सांस लेते हुए कतराता है, सांस प्रॉपरली नहीं ले पाता, क्लीनिंग सिक्रीशन फ्रॉम द लंग्स एंड कंट्रोलिंग पेन। पेन बहुत ज्यादा होती है, पेन को कंट्रोल करना होता है। इन रेयर सर्कमस्टांसिस सर्जरी मे बी रिक्वायर्ड टू मोर क्विकली स्टेबलाइज द फ्लेल सेगमेंट, दिस मे बी यूज फॉर पेशेंट हु आर डिफिकल्ट टू वेंटिलेट और हाई रिस्क पेशेंट विद अंडरलाइंग लंग डिजीज हु मे बी डिफिकल्ट टू वीन फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो वो पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर्स पे नहीं डाला जा सकता तो उनके अंदर फिर सर्जिकली फ्लेल चेस्ट को प्लेट्स डाल के, वायर्स डाल के, या फिर स्क्रू लगा के जो है ना उसको रिपेयर कर दिया जाता है, अदरवाइज पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है और उसको जो है ना थोड़ा हील होने दिया जाता है और फिर उतार लिया जाता है, वीन ऑफ कर लिया जाता है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पल्मोनरी कंट्यूजन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैंने ऐड किए हैं बिकॉज मैं नहीं चाहता एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई चीज़ आए और आप बिल्कुल ब्रैंक हो। एटलीस्ट अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लिख सकेंगे इनके बारे में। सो कमिंग टूवर्ड द पल्मोनरी कंट्यूजन, कंट्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर वो कहते हैं दाब पड़ जाना, या किसी चीज के ऊपर मतलब एक प्रेशर से कोई चीज लग जाना या दाब पड़ जाना, तो उसको कंट्यूजन कहा जाता है जनाब। सो ये झटके से कोई चीज आके ना, तो पल्मोनरी कंट्यूजन इज अ कॉमन थोरेसिक इंजरी एंड एसोसिएटेड विद फ्लेल चेस्ट।
इट इज डिफाइंड एज डैमेज टू द लंग टिश्यूज रिजल्टिंग इन हेमरेज लोकलाइज एडिमा. इट इज एसोसिएटेड विद चेस्ट ट्रोमा व्हेन देयर इज रैपिड कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन टू द चेस्ट वॉल. तो ये जो पल्मोनरी कंट्यूजन है बेसिकली इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी जनाब होता तो ये ब्लंट ट्रॉमा है, लेकिन एकदम से प्रेशर दे के जो है ना उसको कोई चीज पीछे चली जाए तो उस में कंट्यूजन होती है. ठीक है, इसी तरह ब्रेन कंट्यूजन भी होती है कि सर में भी अगर कोई चीज बड़े जोर से लग के और पीछे साइड पे हो जाए तो उसको ब्रेन कंट्यूजन कहा जाता है. और इवन पल्मोनरी कंट्यूजन ब्रेन कंट्यूजन दोनों बड़े खतरनाक होते हैं. पल्मोनरी कंट्यूजन इसलिए भी खतरनाक होता है कि इससे कार्डिक थंप जो है ना वो लग जाता है और बाजू का हार्ट में डिसरिदमियाज भी हो सकते हैं इसकी वजह से. ठीक है जी. हाँ जी, सो दैट्स पल्मोनरी कंट्यूजन. पल्मोनरी कंट्यूजन के बाद है जी हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेड. सो व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनेड, मैं एक दो दफा आप लोगों को बता चुका हूँ कार्डियक टेम्पोनेड के बारे में. नाउ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रीड आउट करेंगे और मुझे अभी बताएंगे कि कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है. जी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. जी, कार्डिक टेम्पोनेड क्लास. जी, आरिफा ने बिल्कुल सही कहा, फ्लूड और ब्लड कमुलेटिंग इन द पेरिकार्डियम. ठीक है, तो उसको हम फिर कार्डिक टेम्पोनेड कहते हैं. कार्डिक टेम्पोनेड इज कंप्रेशन ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लूड और ब्लड विद इन द पेरिकार्डियल सैक. इट इज यूजली कॉज बाय द ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा. द पेनिट्रेटिंग वुंड ऑफ द हार्ट इज एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी रेट. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसरिथमिया चल जाते हैं. कार्डिक टेम्पोनेट आल्सो में फॉलो डायग्नोस्टिक कार्डिक कैथेटराइजेशन एंजियोग्राफिक प्रोसीजर एंड पेसमेकर इंसर्शन विच कैन प्रोड्यूस परफ्यूजन और परफोरेशन ऑफ द हार्ट. सो बाद हार्ट की परफोरेशन जब ये कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कोई इस तरह के प्रोसीजर या पीपीएम वगैरह डाला जा रहा होता है तो हम हार्ट को अगर पंक्चर कर दें उस सूरत के अंदर भी कार्डिक टेम्पोनेट डेवलप हो सकता है. और कार्डिक टेम्पोनेट डेवलप होने की वजह से हार्ट प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर सकता, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. और फाइनली क्या होता है, मोस्टली कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर हमें गैलप रिदम मिलता है. गैलप रिदम जो है वो ऐसा रिदम होता है जैसे घोड़े की टापों की आवाज आ रही है. तो जब स्टेथोस्कोप लगा के हम कार्डिक टेम्पोनेट वाले पेशेंट को देखते हैं तो उसमें हमें गैलप रिदम जो है ना वो देखने को मिल जाता है. ठीक है, चलो यार, मेरा ख्याल है कि आज के लिए हम इतना ही करते हैं. न्यूमोथोरिक्स जो है वो इंशाल्लाह ताला हम फेस टू फेस मिलके जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डेफिनेटली हम न्यूमोथोरिक्स स्टार्ट करेंगे. फिर इंशाल्लाह ताला एक दो चीजें रह जाएंगी और फिर आपका जो है ना ये सिलेबस इंशाल्लाह फिनिश समझे और फिर हम अपना थोड़ा सा फोकस जो है वो टेस्ट लेने की तरफ शिफ्ट कर देंगे. दो चार प्रेजेंटेशंस रह गई हैं यार, वो प्रेजेंटेशंस भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम लोग फेस टू फेस आते हैं सो उसी हिसाब से जो है ना प्रेजेंटेशंस अपनी रेडी रखें और आपकी प्रेजेंटेशंस जो है ना वो फिर ले ली जाएंगी. अगर मंडे को क्लास होती है तो इंशाल्लाह ताला दो प्रेजेंटेशन, एक तो हीरा वाले ग्रुप की प्रेजेंटेशन है और एक और कम्युनिकेशन थेरापेटिक कम्युनिकेशन वाले ग्रुप की जो है प्रेजेंटेशन है. तो ये दोनों प्रेजेंटेशन मेरी और कोशिश होगी कि मंडे को ले ली जाए. जी, मेरे पास अगेन अजान हो रही है सो चलें. एनी हाउ, इसी मैसेज के साथ हम बाय बाय करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर फेस टू फेस मुलाकात होती है तो चीज़ों को डेफिनेटली हम अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे. ठीक है जी.
चलें जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।